किसान साथियों, आज 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है अयोध्या में पूरे नगरी, और हम तत्पश्चात में इधर आए हुए हैं अपनी बाग का विजिट करने के लिए, क्योंकि आज 10-12 दिन से हम आ नहीं पाए, ठंडी ज़्यादा चल रही थी तो हम कोई 5 तारीख के बाद कोई रिव्यू दे नहीं पाए। हमारे अमरूद दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, मतलब मीन्स बढ़वार ठीक चल रही, पेड़ भी ठीक ही चल रहा है, पौधों में बड़ा अमरूद भी है, इस साइज का भी है और फूल भी ले रहा है। अब इसकी उम्र हमारे हिसाब से 18 महीने हो गई, मीन्स 27 जुलाई 2022 का ये हमारा लगाया हुआ बाग है, और अब इसकी आज 22 हो गई, मीन्स 5 दिन और हो जाए तो कंप्लीट 18 महीने का हमारा बाग कंप्लीट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो थोड़े बड़े पेड़ हमारे बाग में डैमेज हुए हैं उनको अभी हम रिफिलिंग करेंगे, रिफिलिंग करने के बाद हमारा बाग लगभग कंप्लीट है। हम ये नहीं बोलते कि 1.5 साल का बाग किसी को सर्वाइव करने के लायक तैयार हो जाता है, ये सब मिथ्या बात है। हमने इंटरक्रॉपिंग ली है, और इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या लिया है देखो, जैसे हमने ये देखो मसूर, हमने मसूर डाल रखी, इससे पहले पिछले साल हमने आलू बोया हुआ था, तो हम खेती को पड़ा नहीं रखते, मीन्स एक फसल नहीं हम दो फसली करते हैं। जब तक हमारा पौधा नहीं काम करेगा तब तक हम नीचे से, मतलब मीन्स दो फसली से काम चला रहे हैं, और जैसे ही हमारी ये फसल काम करना शुरू कर जाएगी अमरूद की, वैसे ही अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर बाग के लिए पूर्णतया फिर छोड़ देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, मीन्स किसान भाइयों को जब भी बागवानी करें तो द्विफसली जब तक करें, जब तक कम से कम 2 साल का बाग ना हो जाए तब तक द्विफसली पे पक्का डिपेंड रहें, बाग को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं खर्चा कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान के पास पैसे कम होते हैं, इसलिए जब भी जैसे आपने एकड़ या 2 एकड़ जब भी किया है तो बिल्कुल बाग पे मत डिपेंड रहिए। जब तक 2.5 साल का बाग नहीं होता तब तक आप पक्का इसमें जो है द्विफसली लीजिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे बाग से अब थोड़ा बहुत उत्पादन मिलने लग पड़ा है, पिछले हफ्ते हमने जो है करीब 8 क्रेट अमरूद तोड़ा हुआ था 8-10 दिन पहले, अब फिर तैयार है, मैं आने वाले समय में फिर तोड़ाई करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये ठंडी थोड़ा निकल जाए, क्योंकि इसमें ठंडी में आना तोड़ना बेचना ऐसा बड़ा महाभारत जैसा लग रहा है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि देखिए ताइवान फलने के मामले में बिल्कुल एकदम बहुत ही ढीठ पौधा होता है, आप देखो कि किस तरह इसमें फलन होती, एक एक गुच्छे में 1.5-1.5 किलो, एक ही गुच्छे में ये गुच्छा अभी से 1.25 किलो से ऊपर है, और जब ये पकेगा तो एक एक अमरूद इतना इतना होगा, तो मीन्स केवल एक एक पौधे, मतलब एक एक गुच्छे में कितना फल जाता है। देखिए ये अभी ठंडियों में जैसे ख़राब हो गए फल ठंडी के कारण, ये फिर भी एक बच गया है, इसी तरह इस गुच्छे में है फलन। ये चारों तरफ फलता है, नीचे से ऊपर तक इसमें फल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बढ़िया फसल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्वाद बढ़िया है, दाने कम हैं इसमें, स्वाद बढ़िया है, अमरूद बीच नीचे ऊपर सब जगह फलता है, सबसे बड़ी बात तो ये कि नीचे ऊपर सब जगह फलता है, और कटिंग अभी जैसे मार्च में कटिंग हो जाएगी तो फिर नए किल्ले आएंगे, फिर वहाँ से फिर उसकी फलन शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, हम सभी को यह एडवाइस करेंगे कि जब ताइवान पिंक लगाते हो तो मिनिमम 1.5 से लेकर 2 साल तक हर किसान को द्विफसली लीजिए, और उसके बाद फिर जब बाग पूरी तरह डेवलप विकसित हो जाए, जब एक तरफ से पानी लगाना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि बाग हमारा जो है विकसित हो गया, तो उस टाइम से आप जो है सिंगल बागवानी पे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चा भी थोड़े दिन लेता है खेलने खाने के लिए, तो बाग है, जब उत्पादन आप सोच रहे हो कि हमने आज लगाया तो आज ही से तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन 2 साल के बाद ये आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं छोड़ेगा बाग।
मेरा ये मानना है। और मैंने इसमें जो उत्पादन देखा 17 महीने में ही, जब ये 6 महीने के बाद और बाग हमारा तंदुरुस्त और तगड़ा जब हो जाएगा, तो मुझे इसमें फिर पैसे के लिए कोई देखने की ज़रूरत नहीं। किसान साथियों, इस महा पर्व के शुभ अवसर पर और आज मंदिर स्थापना, मूर्ति स्थापना के शुभ अवसर पर देशवासियों को हमारी तरफ से सूबेदार शिवराम रिटायर्ड, सभी देशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दिन ब दिन हमारा देश तरक्की करे, यही हमारी दुआएं हैं। और हमारे किसान भाई तरक्की करें, अच्छी सोच लाएं, ये उनके विकास में प्रगति का एक मार्ग है। जय हिंद, जय भारत।